नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीएससी एग्ज़ाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों रेगुलर सीरीज आपके चैनल पे चल रही है। तो हम डायरेक्टली आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बारे में डिस्कस करने वाले, जो कि दोस्तों आपके सोशल साइंस के यानी कि SST के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले चलिए दोस्तों लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपको बताना है कि जो कौन सा राज्य है जिसका जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं किसका है। तो यहाँ पे पहले आ रहा है पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, सिंपल सी आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पूछे तो होता है किसका, बिहार का। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये हमारा है, अभिलेखागारों में क्या रखे जाते हैं, दस्तावेज या पांडुलिपियाँ, कपड़े या फिर ए व बी दोनों। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जो अभिलेखागार है उनमें क्या रखा जाता है, दस्तावेज एंड पांडुलिपियाँ दोनों रखे जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, डी क्वेश्चन आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने NTSC का जो एडमिट कार्ड है अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों आप जाइए हमारी वेबसाइट, जो कि दोस्तों गूगल पे सर्च करना आपको brdstudy.blogspot.com, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आने के बाद आपके सामने ये देखिए NTSC का एडमिट कार्ड है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने एस सेंटर पर आएगा NTSC एडमिट कार्ड 2020 डाउनलोड स्टेज वाइज एडमिट कार्ड। दोस्तों यहाँ पे देखिए, स्क्रॉल करके नीचे आना है। ये देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, हम बात कर रहे थे पंजाब का, उड़ीसा का, गुजरात का, यहाँ पे किसी का भी डाउनलोड करना है तो वो क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है और यहाँ से दोस्तों आप किसी का भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्टेट वाइज। अगर दोस्तों आपको डाउनलोड नहीं होता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट है, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, वहाँ से दोस्तों मैं आपको इसका रिप्लाई भी दे दूँगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, दिल्लीवाल किसे कहा जाता था? तो यहाँ पे देखिए, दिल्लीवाल किसे कहा जाता था, तो सिंपल सी बात करते हैं। तो दोस्तों, दिल्लीवाल किसे कहा जाता था, सिंपल इसका हो जाएगा किसानों को, सिक्के को, किसानों को, शहरों को या फिर पुस्तक को। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिक्कों का, जैसे क्या कहा, दिल्लीवाल। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, 13वीं सदी में, 12वीं सदी में, 10वीं सदी में या फिर 18वीं सदी में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका जो आपका यहाँ पे जो स्थापना कब हुई थी, तो 13वीं शताब्दी हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्जिद किस भाषा का शब्द है, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का या फिर अरबी का। तो दोस्तों, यहाँ पे मस्जिद है वो किसका हो जाएगा, तो सिंपल सी आंसर हो जाएगा अरबी का शब्द है। मक्का की ओर दिशा को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों किबला, दक्षिण, पूर्व या उत्तर। तो सिंपल सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किबला कहा जाता है। फिर देखिए दोस्तों, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था, मोरक्को से, जापान से, सिंगापुर से या फिर पाकिस्तान से। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मोरक्को से आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक के लिए कौन सा शहर बनाया, तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बनाया था, सीरी शहर बनाया था। कौन सा बनाया था दोस्तों, सीरी शहर, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा किस दिन फहराते हैं, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को या फिर 23 सितंबर को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अगस्त को। ठीक है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा जो आंसर होगा, लाल किला भारत के लिए किस शहर में स्थित है, लाल किला कहाँ से दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, नई दिल्ली में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। प्रथम मुगल शासक का नाम बताइए, बाबर, चंगेज खान, तैमूर या फिर उमर शेख। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करना है जो प्रथम मुगल शासक था उसका नेम आपको बताना है। तो प्रथम मुगल शासक का नाम क्या था, सिंपल दोस्तों क्या नाम था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर बताए दोस्तों, बाबर नाम था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए।
सम्राट बनने से पहले जहांगीर को किस नाम से जाना जाता था? सलीम, शाहजहां, इब्राहिम या फिर मिर्जा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सलीम। अकबर के संरक्षण का नाम बताइए। बैरम खां, सैफ अली खान, चंगेज खान, हाकिम खान। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बैरम खान। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बम्बई में, मद्रास में, बंगाल में या फिर बारह महल में? तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा आपका, मद्रास में लागू किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? मनसबदार, कप्तान, सूबेदार, जिलेदार? दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मनसबदार, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे अकबरनामा पुस्तक लिखी गई वो आपके अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो अगर दोस्तों आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने एनटीएससी एग्जाम्स के, तो दोस्तों आप जो studyvillage.co.in की वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों कहीं पे भी। यहाँ पे इनकी वेबसाइट का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, अभी विजिट कीजिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। फिर दोस्तों देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कब कराया गया? 1199, 1187 में, 1478 में, 1204 में? जो कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था वो कब किया गया था? तो दोस्तों सिंपल सी, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था वो कब? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको 1199 में किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कब किया गया? 1199, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कमेंट कर दे नीचे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आ रहा है। कुतुब मीनार का बाहरी हिस्सा कैसा है? धुमावदार और कौन ये, आयताकार, वृत्ताकार या फिर समतल? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, घुमावदार है और कौन ये है, ठीक है ना दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, ए आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों का सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो दोस्तों किसने कराया, राजा राजदेव ने करवाया था, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? अमृतसर, पटियाला में, लुधियाना में या फिर संगरूर में? तो दोस्तों यहाँ पे कहाँ होगा, अमृतसर में हो जाएगा। 1930 का आंसर हो जाएगा ए। ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, कावेरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका, यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है शासन में आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आगरा थी। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने किस नगर का वर्णन किया है? हम्पी, मद्रास, कलकत्ता या फिर जयपुर? तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर बताना है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हम्पी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर करेक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात की है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया एनटीएससी एग्जाम की, नेशनल चैनल रिसर्च एग्जाम्स की। दोस्तों यहाँ पे वीडियो जगह लाइक कर देना, और दोस्तों एक बात और बता दो दोस्तों आपको, अगर आपको एनटीएससी एनएमएस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं तो देखिए, तो हमारी वेबसाइट है brdstudy, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको आ जाना है। ये देखिए दोस्तों brdstudy.blogspot.com, ये आपके एनएमएस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको एनटीएससी की चाहिए दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हो दोस्तों। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, मैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे कह देना यस, तो मैं दोस्तों मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर दूंगा, फिर यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो पूरे दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में बता दिए सोशल साइंस के। तो आशा करूँगा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो अभी प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो चलेगा तो शेयर कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें। और
अगर आपको NTSC का व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ना है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप NTSC के व्हाट्सएप ग्रुप पे जा सकते हो। और अगर आपने NTSC का जो एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सभी की मिल जाएगी, वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करूँगा ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के लिए इतना।